इस चैनल की तीसरी स्कूल बस का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। सबसे पहले सबसे छोटी बस का रिव्यू लाया था, ये उस सेकेंड नंबर जो था रिव्यू वो उससे बड़ी बस थी, और आज सबसे बड़ी बस का स्कूल बस का रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए। ये आइशर 2090L स्कूल बस है जिसकी कैपेसिटी है 51 प्लस ड्राइवर की, और ये एक एयर कंडीशन मॉडल है। आप ऊपर इसका जो एयर कंडीशनर की यूनिट है वो देख सकते हैं, ये एयर कंडीशनर मॉडल है। तो आज इसी की पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों बस ये आपके एप्लीकेशन के लिए अच्छी रहने वाली है, क्या क्या इस बस के फीचर्स हैं, क्या क्या इस बस में आपको सेफ्टी मिलती है, और क्या इसकी प्राइस और माइलेज रहने वाली है। सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी, तो आप एक बेटर बाइंग डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये बस लेनी चाहिए, कंसिडर करनी चाहिए अपने स्कूल के लिए, या आप किसी स्कूल में अगर एज ए कॉन्ट्रैक्टर चलाना चाहते हैं तो क्या ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट से। ये बस जो है ये कम्प्लीटली आइशर की फैक्ट्री में ही बनी है, किसी आउटसाइड बॉडी मेकर ने नहीं बनाई है। पूरा कम्प्लीटली आपको कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट मिलेगी, एज इट इज़ आप परचेज करिए और इसको रोड पे उतार दीजिए। बच्चों को लाने ले जाने के काम में आप इसको डे वन से ही उपयोग कर सकते हैं, आप कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन या कुछ भी मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं। तो ये आइशर 2090L मॉडल है, ये आपको 51 प्लस डी कैपेसिटी में सामने गाड़ी दिख रही है। इसकी जो टोटल आपको मैं बता दूं तो ये 140 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आती है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है इसके अंदर, क्योंकि एसी वाला मॉडल है। नॉन एसी मॉडल के अंदर थोड़ी सी पावर और टॉर्क कम हो जाती है। इसकी जो ओवरऑल जो लेंथ है इस गाड़ी की वो है 9584 मिलीमीटर, 9 मीटर लगभग, 9.5 मीटर ये गाड़ी लंबी है, और जो ओवरऑल विड्थ है इसकी वो है 2164 मीटर, 2 मीटर 200 के आसपास ये गाड़ी चौड़ी है। तो उस हिसाब से इसका आप डायमेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसका जो टर्निंग सर्कल डायमीटर है वो ऑलमोस्ट 20 मीटर्स का है, तो इतनी मतलब बस के हिसाब से आप इसको ठीक ठाक ही कह सकते हैं। इसके अंदर आपको 2960 ऑलमोस्ट 3000 सीसी का डीजल इंजन मिलता है। उसकी पावर और टॉर्क फिगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अंदर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है वो आपको 9.8 टन के आसपास मिलने वाला है। वैसे भी बसेस के अंदर स्कूल बस है तो उसके अंदर वेट वगैरह का कोई ज़्यादा इसमें मैटर रहने वाला नहीं है, क्योंकि ओवरलोडिंग तो इसके अंदर होती नहीं है। फ्रंट से लुक कुछ इस तरह का आता है इसका, पूरा आइशर का वही सेम फैमिली लुक है। अच्छी बड़ी ग्रिल है, ये फाइबर ग्लास में फिनिश्ड है ये जो ग्रिल है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये ग्रिल का जो पोर्शन है ये फाइबर ग्लास में फिनिश्ड है और ये ओपनेबल है। यहाँ पे आप हैंडल देख पा रहे होंगे, ये एक हैंडल है, तो ये एक हैंडल यहाँ पर है, एक हैंडल यहाँ पर है, इसकी मदद से पूरी ग्रिल ओपन हो जाती है। तो अंदर कुछ भी जो भी वर्किंग करनी है तो वो काफ़ी आसान हो जाती है। यहाँ पर आपको नीचे दोनों तरफ दो दो हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल रहा है। नीचे आप फॉग लैम्प लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। रिफ्लेक्टर टेप नीचे लगी हुई है। नंबर प्लेट होल्डर जो है वो यहाँ बीच में आपको उस जगह पे मिल जाएगा। उसके बाद बात कर ले तो ये वाइपर्स हैं, इसके साथ ही इसके वॉशर नोजल जो हैं वो यहाँ पर ही लगा के दिए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड वॉशर नोजल्स हैं, दो वाइपर हैं इसके अंदर, दोनों नॉर्मल एक्शन में ही काम करते हैं। ऊपर आपका फ्रंट का प्रॉक्सिमिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, ऊपर दो मार्कर लैंप देखने को मिल जाएंगे। पूरी बड़ी विंडस्क्रीन है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी ये देती है। स्कूल बस की स्टिकरिंग यहाँ पर करके दी है, यहाँ पर आपका फ्रंट इंडिकेटर हो गया है। चलिए अब साइड में आ जाते हैं। तो साइड में आपको दरवाजे पे एक ही मिरर देखने को मिलेगा, यही नॉर्मल और वाइड एंगल दोनों मिरर यही है इसके अंदर। इस तरह से आपकी विजिबिलिटी रहने वाली है। यहाँ पर आपका डोर हैंडल है, यहाँ पे की होल है। नीचे टायर साइज़ की बात कर लें तो इसमें जेके के टायर हैं 8.25/16 के, इसमें नॉर्मल टायर आपको देखने को मिल जाएंगे 16 ply वाले जो हैं, कुछ इस तरीके से। ड्रम ब्रेक का सेटअप है। आगे का सस्पेंशन बात कर लूँ तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही है इसके अंदर भी, और ये इसका चेसी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। जो इसका चेसी है वो 200/65/5 mm थिकनेस का चेसी है, 200 मिलीमीटर्स की डेप्थ है, 65 फ्लेंज लेंथ है, 5 mm जो है उसका जो आयरन की जो शीट है उसकी थिकनेस है। यहाँ पर आप पूरा इंजन वगैरह भी देख सकते हैं इसका, 3000 cc का डीजल इंजन। यहाँ पे बस का जो पूरा जो फ्रेम है वो इस तरह से माउंटिंग पॉइंट्स पे टिकी हुई है। चलिए पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी एक रिफ्लेक्टर टेप की जो है आगे से पीछे तक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मार्कर लैंप्स भी आगे से पीछे तक देखने को मिलेंगे। ये इसका फ्रंट इंडिकेटर है, स्टार लाइन ये मॉडल का रेंज है, M+W+ इसका इंजन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आपको बैटरी बॉक्स साइड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ नीचे लगा के दिया गया है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम भी EATS लिखा हुआ भी है यहाँ पर, और ये आपका आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम यहीं पे बिल्कुल पोजीशन करके दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका ये एडब्लू टैंक है, तो इसके अंदर आपको एडब्लू डालना रहेगा। जो इसकी डेप्थ की कैपेसिटी है वो है 19 लीटर्स की। उसके बाद अब पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ भी पूरी जो रेलिंग है वो आपको कंप्लीट लगा के दी है स्टूडेंट सेफ्टी के लिए। ये गवर्नमेंट के जो मैंडेटरी नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करती है, तो आपको पूरे यहाँ पर कंप्लीट रेलिंग लगा के दी है। आप इसमें चाहें तो वायर गेज जो होती है मैश वो भी आप लगा सकते हैं। पीछे का टायर साइज़ की बात कर ले तो वो भी आपको 8.25/16 का ही देखने को मिल जाएगा। पीछे दो टायर हैं इसके अंदर, टोटल 6 टायर आते हैं इस बस के अंदर। पीछे भी आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टार लाइन स्कूल की ब्रांडिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर आपको पीछे एक इमरजेंसी डोर देखने को मिल जाएगा।
ब्रेक टू ओपन, यहाँ से आप इस ग्लास को ब्रेक करेंगे तो अंदर से आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे एक फुटस्टेप भी दिया गया है, इन केस ऑफ इमरजेंसी पीछे से अगर उतारना पड़े किसी को तो आप इस डोर को पूरा ओपन करके पीछे से उतार सकते हैं। उसके बाद ये पीछे का लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक बार देख लीजिए वाइड एंगल में पीछे का लुक। आयशर की ब्रांडिंग है, नंबर प्लेट होल्डर के ऊपर दो लाइट्स दी गई है, बिल्ट विद प्रिसीजन, फैक्ट्री मेड गाड़ी है ये। और पीछे आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर ब्लैक में दिख रहे होंगे। नॉर्मल टेल लैंप है, कोई भी एलईडी वगैरह कुछ नहीं है। पीछे दो हाई माउंट मार्कर लैंप जरूर लगे हुए हैं। पीछे का ग्लास प्लेन है, उस पर कोई वाइपर वगैरह कुछ लगा नहीं है, बाकी कॉमर्शियल व्हीकल में ऐसा जरूरत भी नहीं होती है। पीछे भी स्कूल बस की ब्रांडिंग है, स्टार लाइन की ब्रांडिंग है, आयशर की ब्रांडिंग है, ये सब 3D में अच्छा क्रोम इफेक्ट में काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर भी आप मार्कर लैंप्स देख सकते हैं, आगे से पीछे तक पूरे मार्कर लैंप्स हैं। यहाँ पर पूरी ग्रिल की पोजीशन है, यहाँ पर एक और ब्रांडिंग है स्टार लाइन स्कूल की, पूरा यहाँ रिफ्लेक्टर टेप जो है वो कंटिन्यू चल रही है साथ में हाई विजिबिलिटी के लिए। इस साइड का टायर हो गया, इस साइड ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसका ये फ्यूल टैंक आ जाता है, फ्यूल टैंक इस तरफ दिया गया है। इसकी मैं फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो इसके अंदर आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल टैंक मिलते हैं। ये एसी वाली यूनिट है तो इसमें अंदर आपको 160 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इसका डायरेक्ट कुछ इसी तरीके से ओपन हो जाता है, स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है ये, और यहाँ से आप इसमें डीजल फिल कर सकते हैं। अंदर लॉक उसके कैप के ऊपर ही लॉक लगा के दिया है, बाकी ये जो डोर है ये डायरेक्ट ऐसे ही क्लोज हो जाता है। 160 लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ पर आप यूटेक 6 की ब्रांडिंग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्टॉप सिंबल है, ये जब गेट बंद होता है तो ये स्टॉप सिंबल अंदर चला जाता है। ये देख लीजिए गेट बंद किया मैंने, ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड गेट है, जब गेट बंद होगा तो स्टॉप अंदर चला जाएगा और जैसे ही ड्राइवर गेट ओपन करेगा पीछे वाले ट्रैफिक को अलर्ट करने के लिए स्टॉप सिग्नल जो है वो बाहर आ जाएगा। ये सब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दी है चीज़ें, तो हर मैन्युफैक्चरर को इसका ध्यान रखना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक इमरजेंसी स्विच दिया गया है बाहर से, यहाँ पर ड्राइवर की विजिबिलिटी के लिए एक क्वार्टर ग्लास दिया गया है। ये इसका लेफ्ट साइड वाला रियर व्यू मिरर है, कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट बाहर से ही करना पड़ेगा, ये ओपनेबल विंडो है। तो ये बार बार की कहानी पूरी हो गई इस तरीके से। अब मैं अंदर चलता हूँ, आगे वाला टायर आपको बता ही दिया। काफ़ी नीचा इसका जो फुटस्टेप है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 इंचेस के आसपास ही है, तो चढ़ने उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को। उसके बाद मैं एक स्टेप सेकेंड स्टेप में यहाँ पर आपको एक लैंप दिया गया है अंधेरे में, और उसके बाद मैं थर्ड स्टेप में गाड़ी के अंदर आ जाता हूँ। पूरी आपको फ्लोर जो है वो प्लास्टिक वाइनल के साथ लेमिनेटेड मिलने वाली है। इसके अंदर 51 टोटल सीटिंग कैपेसिटी है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर यहाँ पर आप इसकी एसी यूनिट देख सकते हैं, एसी यूनिट काफ़ी अच्छी है, जो मेनली जो इसका इंजन है उसी से ड्रिवन है, सेकेंडरी इंजन नहीं है। एसी यूनिट रूफ पे माउंटेड है, इसके जो भी आपके एसी यूनिट के जो अंदर के कंट्रोल्स है वो सब इन पैनल के पीछे हैं दोनों तरफ। और यहाँ पर आपको पूरा एक स्टोरेज स्पेस आगे से पीछे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका ब्लोअर के वेंट्स अंदर लगाकर दिए गए हैं, एक वेंट इधर है, एक वेंट वहाँ पर आगे है, आगे सब जगह आपको यहाँ पर ब्लोअर के वेंट्स देखने को मिल जाएंगे एयर कंडीशनिंग यूनिट के। अब बात कर लेते हैं इस स्टोरेज स्पेस की। ये पूरी आगे से पीछे तक स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं, इसके अंदर फेल्ट लाइनिंग करके दी गई है, तो जो भी सामान होगा वो रैटल नहीं करेगा और इसकी एनवेज लेवल्स को भी इम्प्रूव करता है। यहाँ पर भी आपको पूरा एक फैब्रिक का इस्तेमाल करके अच्छी सी लाइनिंग करके दी है कंपनी ने। पीछे तक की फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बच्चों के हिसाब से सफिशियंट चौड़ाई है, बच्चे आराम से निकल जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पीछे की सीट पे सीट बेल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीच वाला पैसेंजर है उसको आगे ग्रैब करने के लिए कुछ नहीं होता, इस तरीके से पूरा पैसेज होता है। तो यहाँ पर आपको दो सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। लैप बेल्ट है, 3 पॉइंट तो नहीं लैप बेल्ट है, लेकिन ठीक है, सफिशियंट सेफ्टी ऑफर करते हैं। हेडरेस्ट इसमें किसी भी सीट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको हर एक कॉर्नर पे यहाँ पर ग्रैब हैंडल है, तो आप जब अगर आगे उतर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आप हर सीट को ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे विद इंटीग्रेटेड वाटर बॉटल होल्डर्स। हर एक पे आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा, और नीचे की तरफ आपको स्कूल बैग रखने के लिए, बच्चों का स्कूल बैग रखने के लिए भी नीचे ट्रे दी गई है, ताकि सीट जो बैग जो है वो फर्श पे भी नहीं रहेगा और अच्छे से स्टोरेज के अंदर बच्चे अपना बैग रख पाएंगे। नीचे कुछ चेकिंग करने के लिए यहाँ पे एक ओपनेबल हैच दिया हुआ है, आप इसको ओपन करके हैच को और नीचे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फायर सेफ्टी का भी काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। जो व्हील वेल्स हैं, व्हील आर्चेस हैं, वो जमीन से काफी लिमिटेड अमाउंट में ही उठी हुई है, थोड़ी सी 3-4 इंची ऊपर है, तो उससे लेग स्पेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। मेरी हाइट 6 फीट है, मैं किसी भी सीट पर बैठ के दिखा देता हूँ आपको, या मुझे लेग स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर मान लीजिए व्हील आर्च के ऊपर भी बैठा हूँ तो मेरा पैर आराम से ऊपर नीचे आ जा सकता है, ज्यादा इशू नहीं है, और लेग स्पेस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर साइड सपोर्ट तो थोड़ा सा कम है क्योंकि सीट बेस ज्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए सफिशियंट है। छोटे बच्चे जो मान लीजिए ऑलमोस्ट 9-10 तक के भी बच्चे हैं, तो वो यहाँ पर आराम से सफिशियंटली बैठ सकते हैं। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, सीट्स काफ़ी लो है, तो एयरीनेस काफ़ी है केबिन के अंदर, बिल्कुल अच्छी खासी विजिबिलिटी है इसके अंदर, कोई भी ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला फील नहीं होने वाला, बड़ा आगे वाला कांच है, बड़ा पीछे वाला कांच है,
तो वो एक काफी इसको अच्छा ऑप्शन बना देता है। हाँ, अब एक और चीज, आप हर एक सीट के ऊपर यहाँ पर ब्लोअर के वेंट्स देख सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर दो एडजस्टेबल ब्लोअर के वेंट्स हैं, इसको आप इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। ये हर सीट के ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर लगेज के लिए भी लगे हुए हैं, तो काफी अच्छी इसके अंदर रहने वाली है। यहाँ पर आपको ड्राइवर को इंटीमेट करने के लिए इस जगह पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी वाले जो स्विचेज हैं वो हर एक पिलर पे लगे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की पोजीशन यहाँ नीचे है सीट पे, तो उसका स्टिकर लगा के दिया है। यहाँ पर हर चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है कि कोई भी इमरजेंसी में या सेफ्टी पर्पज से कोई भी हैजर्ड इस बस के अंदर ना रहे। नीचे यहाँ से सब चीज़ें मैंने कवर कर ली। उसके बाद अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सीट है उसमें कोई साइड से निकल ना जाए, उसके लिए यहाँ पर एक आर्मरेस्ट लगा के दिया है। यहाँ पर आपको एक लैप बेल्ट भी लगा के दिया है इस पैसेंजर के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। एक और आपको फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ देखने को मिल जाएगा, इमरजेंसी हैमर वहाँ पे लगा के दिया है। उसके बाद यहाँ पर हैमर एक वहाँ पे भी है, उस तरफ रेड आप देख सकते हैं, और एक बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर पीछे लास्ट सीट के पीछे भी लगा के दिया है। तो फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपका मेडिकल बॉक्स यहाँ पर लगा के दिया गया है, ये अच्छा सा काफ़ी स्टील का एक पाइप है होल्ड करने के लिए। वहाँ पर एयर वेंट है, ड्राइवर के लिए एयर वेंट है उस जगह पे, को पैसेंजर के लिए भी एयर वेंट है। म्यूजिक सिस्टम के लिए आपको आगे वहाँ पर दो स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, म्यूजिक सिस्टम हालांकि इसमें है नहीं, इमरजेंसी सायरन वहाँ बजेगा। यहाँ पर एलईडी लाइट लगा के दी है, लाइट्स काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको स्पीकर के लिए और भी पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे आउटपुट तो दिए हैं। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये कुछ इस तरह का ड्राइवर साइड के व्यू रहने वाला है। यहाँ पर को पैसेंजर की सीट है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये भी सब प्लास्टिक से कवर्ड है। डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपका ये बोनेट है जो ओपनेबल है, इसको आप अंदर से चेक करने के लिए ओपन कर सकते हैं। ये सारी इसकी कीज़ है, डैफ टैंक की, डीजल टैंक की, बैटरी कंपार्टमेंट की सारी, और जो लॉकेबल ग्लोव बॉक्स है वहाँ पर एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स उसकी की यहाँ पर दी है। ये इसका 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, एक रिवर्स और 6 forward गियर के साथ आता है। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, इको पावर और इको प्लस के बटन्स यहाँ पर आ जाते हैं। सारे जो लैंप्स हैं केबिन के उसको ऑन करने का बटन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका मेन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो आ जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट आ जाता है। यहाँ पर एयर कंडीशन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, यहाँ से इसको ऑन ऑफ जो भी है आपका टेम्परेचर वगैरह सेट करना है वो सब यहाँ से होगा। यहाँ पर इमरजेंसी फायर के लिए एक और कंट्रोल पैनल दिया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा स्विचेस ड्राइवर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग लगवा सकता है। उसके बाद मीटर कंसोल जो है वो आइशर का सेम फैमिली लुक वाला ही है, या आपको आइशर का ही स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा इसके अंदर, 3-spoke वाला जो छोटी गाड़ी में आता है आइशर की। उसके बाद जो स्टेयरिंग कॉलम है ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट हो जाता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये देख लीजिए, मीटर मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पर सारी नीडल्स जो है फुल स्वाइप करती है, थोड़ा सा सनलाइट का इशू रहता है यहाँ पर, ये देख लीजिए पूरा फुल स्वाइप हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छी सी एक ब्लू यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यह सारी पूरी डिजिटल डिस्प्ले है, ये डेट टाइम एड ब्लू का लेवल, बैटरी का परसेंटेज, बैटरी का वोल्टेज, सब चीज़ ये बताता है इसके अंदर, गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, फ्रंट और रियर का ब्रेक प्रेशर, सारी चीज़ें ये यहाँ से बता देता है। इसके बाद यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैटरी का मेन कटआउट स्विच है, ABS ऑन ऑफ है, हेडलाइट लेवलर है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या बचा है, ABC पेडल्स की बात करूं तो ये इसका क्लच है, उसके साइड में ही आपको डेड पेडल तो नहीं मिलता लेकिन नीचे पैर रेस्ट करने के लिए जगह अच्छी खासी है। ये क्लच है या नीचे पैडल, यहाँ पैर ड्राइवर रेस्ट कर सकता है। उसके बाद ये हो गया ब्रेक जो नीचे से सस्पेंडेड है, और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर ABS ब्रेक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका पूरा केबिन का लेआउट है। यहाँ पर आपको ड्राइवर को चढ़ने के लिए एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सनशेड है पूरा, ये आप यहाँ तक नीचे आ जाता है ये पूरा। उसके बाद पीछे का प्रॉक्सिमिटी मिरर जो है स्टूडेंट्स वगैरह को देखने के लिए, आपके पैसेंजर्स को चेक करने के लिए आपको यहाँ से अच्छा वाइड एंगल मिरर एक देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी आपकी पीछे की विजिबिलिटी रहने वाली है। लेफ्ट साइड का जो आउटसाइड रियर मिरर है वो कुछ इस तरह से व्यू देता है, पूरी गाड़ी उसके अंदर नजर आती है। यहाँ से आपको फ्रंट में अगर कोई उस तरफ कोई बाहर कोई गाड़ी खड़ी है तो वो देखने के लिए वो विंडो काम आती है, जैसे मैंने पहले आपको बाहर से बताया था। वहाँ पर भी एक ओपनेबल हैच है, उसके अंदर भी एक आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाएगा। तो सेफ्टी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है स्टूडेंट्स के लिहाज से। यहाँ पर जो ड्राइवर की विंडो है ये भी दो तरफ से ओपन हो जाती है। यहाँ पर एक और आपको ग्रैब हैंडल है, यहाँ ड्राइवर के लिए 3-point सीट बेल्ट है, ऊपर ब्लोअर के वेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉपर काम करके दिया है कंपनी ने इसके अंदर। रियर विजिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, काफ़ी बड़ा मिरर है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको मेन जो आपका वॉशर का फ्लूड है वो डालने के लिए यहीं पर लोकेशन दी गई है, दोनों वाइपर्स बिल्कुल अच्छे से काम कर देंगे अपना। तो कुछ इस तरह से ये कैबिन कंप्लीट होता है आइशर 20 सीरीज की स्कूल बस का, 51 सीटर बस का। इसका प्राइस जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
और इसकी अवेलेबिलिटी है जो आप अपने नियरेस्ट डीलर से पता कर सकते हैं। प्राइसिंग भी डीलर टू डीलर वेरी करती है, कभी ऑफर चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे देगी, क्योंकि 3000 cc का डीजल इंजन है, तो 3000 cc के डीजल इंजन के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो स्कूल के लिए एक अच्छी कॉस्ट सेविंग भी इसके अंदर होने वाली है। इसका सर्विस इंटरवल भी काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट 60,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आपकी एनुअल सर्विस या जैसे भी हो वो रहने वाली है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।